उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। विवाहिता के मुताबिक शादी के एक साल बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना चालू कर दिया था। ऐसे में जब वो पिता के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो लौटते वक्त पति सारिक खान ने उसे अभद्रता की और तेजाब से हमला करने के लिए धमकी दी, जिसके चलते विवाहिता ने पुलिस से सुरक्षा देने और आरोपी पति को गिरफ्तार करने की मांग की। ...2019 में शादी हुई थी, फिर जो है उसके बाद मेरे ससुराल वाले हमको बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। फिर हम प्रेग्नेंट हो गए, फिर जो है 2:30 बजे रात में हमको घर से बाहर निकाल दिया, 8वां महीना चल रहा था। फिर हम अपने घर आ गए, फिर डिलीवरी का भी मतलब चीज़ नहीं किया, बच्चे से ना मिले ना जुले और हम अपने मैके ही, और फिर जो है ना हमको कभी ले के गए ना मेरा कोई खर्चा उठाना। बाद उन्होंने शादी भी कर लिया और उसके बाद भी वो धमकी आते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो जो है धमकी देते हैं। अभी कल की वारदात है कि कल जो है हमको जो है उन्होंने धमकी दिया है कि हम तेजाब फेंक देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और जो है हमको बस परेशान करते चले जा रहे हैं। शादी भी कर ली उन्होंने दूसरी, कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक मेरी कोई कार्रवाई और कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं है आगे। जी मेरी FIR हो चुकी है, मेरा जो है वो चल रहा था, वो कदमा चल रहा था, उसके बाद ही उन्होंने शादी की।